जय सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अभी हूँ विजयवाड़ा जंक्शन पर। आप देख सकते हो ये है पीछे मेरे विजयवाड़ा जंक्शन। आज अपनी जो जर्नी है वो होने वाली है पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि यहाँ से ही ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पर ही टर्मिनेट होती है। एक डेली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि डेली चलती है विजयवाड़ा से और पहुँचाती है आपको चेन्नई सेंट्रल तक। तो चेन्नई सेंट्रल तक की ये जो जर्नी है वो होने वाली है पूरी, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी अभी आगे। तो चलते हैं अंदर और रेलवे स्टेशन को भी देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी जब आप अंदर आओगे ना तो सामने मिलेगा आपको एक लोकोमोटिव रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा है फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी ट्रेनों की जो जानकारी है वो लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। और इधर देखो आप लिखा हुआ है विजयवाड़ा जंक्शन। तो यहाँ से आपको एस्केलेटर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इधर की तरफ है। आप ऊपर अगर जाना चाहते हो, जो कि मैं जाऊँगा ही, तो आप इधर से जा सकते हो। देखो एस्केलेटर रहेंगे यहाँ पर और वर्किंग में भी, ये भी अच्छी बात है। सो गाइज हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म 1 पर और हमारी ट्रेन का यहाँ पर आ चुका है नाम लिखकर 12711 पिनाकिनी सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि 6:10 पर डिपार्ट करेगी प्लेटफॉर्म 1 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखकर आ रही है, हालांकि ये डिस्प्ले में पता नहीं कैसे आ रहा है कि कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। इसके साथ आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहाँ लिखकर आ रहा है ट्रेन्स का पूरा कि किस तरीके से आ रही है और कहाँ ये जाने वाली है। यानी कि अगर कोई ट्रेन का लोको इधर है, यानी कि वो विशाखापट्टनम आ रही है, और कोई ट्रेन का लोको इधर की तरफ है, तो मतलब ये समझ जाए कि वो ट्रेन अब जाएगी चेन्नई की तरफ विशाखापट्टनम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी डिस्प्ले देखने में, बहुत अच्छा ये लगा देख कर कि मतलब मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल मिल जाएगा जिसमें आपको चार्ज देना होगा और आप आराम से बैठ पाएंगे। आप देख सकते हैं 23.60 रुपये देने होंगे आपको 1 आवर के, और उसके बाद में जितने भी एक्स्ट्रा आवर होते रहेंगे आपसे 17.70 रुपये चार्ज कर दिए जाएंगे। क्लॉक रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है प्लेटफॉर्म 1 पर, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपके पास बॉटल्स हैं तो 5 रुपये में उसको रिफिल करवा सकते हो, 10 रुपये अपने बचा सकते हो। इसके अलावा बात करें अभी यहाँ पर करंटली हॉल्टिंग ट्रेन की, तो लगभग 330 ट्रेन का आपको हॉल्ट देखने को मिल जाता है और 33 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट भी होती है। सो प्लेटफॉर्म 1 पर हम आ चुके हैं, 5:37 टाइम हो चुका है और यहाँ पर डिस्प्ले पर भी ट्रेन का नंबर होने लगा है शो। ये देख सकते हो आप, यहाँ D5 कोच आने वाला है और अपना जो आज कोच है वो है D1 जो कि उधर की तरफ आएगा। WAP4 वडोदरा विजयवाड़ा साइड का लेके जाने वाला और इसमें कवच की सुविधा भी उपलब्ध है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। सो गाइस आज अपनी जो सीट है वो है 55 विंडो साइड। तो इधर बैठते हैं और आपको आगे की जो जर्नी है वो दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने बादाम टी ली है और ये हमारी सामने ट्रेन अंदर चलते हैं और टेस्ट बताता हूँ कैसा है इसका। उधर सामने एक ट्रेन आ रही है, नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा, बट अपनी ट्रेन अब पहुंच रही है कृष्णा रिवर पर। मालगाड़ी का रुक, ये बीच में आया था, बीच में भी सिग्नल है, इतना लंबा पुल है। गए
गाइस आप ये जो देख रहे हैं ना सामने, मतलब जो आप लेफ्ट साइड में ट्रैक देख रहे हैं, ये आए हैं गुंटूर से और हम आ रहे हैं विजयवाड़ा की तरफ से। तो तेनाली जंक्शन अभी हम पहुंच रहे हैं और इसी वजह से तेनाली अपने आप में एक जंक्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको गुंटूर के लिए ट्रैक देखने को मिल जाता है, विजयवाड़ा के लिए देखने को मिल जाता है, जिससे हम अभी आ ही रहे हैं और हमारा अराइवल हो रहा है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, तो अभी मैं प्लेटफॉर्म का व्यू तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट अभी आप इसको देख ही सकते हो। दोस्तों बात करें तेनाली जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड है TEL और हमारी ट्रेन यहाँ पर बिल्कुल समय से पहुंच चुकी है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आपको 115 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। 9 ट्रेन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। हालांकि ये आता है विजयवाड़ा डिवीजन में, तो विजयवाड़ा डिवीजन काफी बड़ी डिवीजन भी है। तो अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम। और गैस किसी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच रही है अपने नेक्स्ट स्टॉप नीडू ब्रोलू पर। यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंच रही है और यहाँ पर भी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। ये स्टेशन भी विजयवाड़ा डिवीजन में आता है, तो विजयवाड़ा डिवीजन यहाँ तक है। खैर ट्रेन हमारी यहाँ से ऑन टाइम निकल चुकी है। यहाँ पर आपको करंटली 32 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है अपने तीसरे स्टॉप पर। हालांकि यहां पर पहुंचते ट्रेन को थोड़ा सा लेट हो गया। स्टेशन है हमारा बापटला, इसका स्टेशन कोड है BBB और आप देख सकते हो यहां पे कितनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि एक इंटरसिटी टाइप ट्रेन है तो इसके लिए यहां पर भीड़ हमेशा रहती है और ये ट्रेन बिल्कुल पैक्ड चलती है हमेशा, तो थोड़ा बहुत भीड़ आपको यहां पर जरूर इसमें देखने को मिलेगा। स्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। करंटली 58 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल रहा है और ये भी जो स्टेशन है ये आता है विजयवाड़ा डिवीजन में। यहाँ से भी हमारा जो डिपार्चर है वो फाइनली अब हो चुका है। फाइनली अभी हम पहुंच रहे हैं अपने 4th स्टॉप पर और यहां तक पहुंचते हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है 15 मिनट। हमारा स्टॉप आ चुका है चिराला रेलवे स्टेशन, जिसमें टोटल आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं और यहां पर आपको करंटली 85 ट्रेन का हॉल्ट देखने को मिल जाता है। कोई भी ट्रेन यहां से ऑल्टरनेट और टर्मिनेट नहीं होती है और यहां पर भी हमें जो प्लेटफॉर्म है वो लेफ्ट साइड में देखने को मिला है, जहां पर हमारा ट्रेन का अराइवल हुआ है। यहां से भी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अभी भी हम 15 मिनट की देरी से चल रहे हैं। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच रहे हैं ओंगल रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है OGL। यहां पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं और अपनी ट्रेन यहां पर भी 15 मिनट लेट पहुंची है और इस ट्रेन के लिए आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहां पर आपको करंटली 181 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। एक ही ट्रेन यहां से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। प्लेटफॉर्म के एंड पर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा ये देखकर कि यहां पर काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं और पेड़ वगैरह हैं वो मेंटेन्ड है। सो गाइस फाइनली अपने नेक्स्ट स्टॉप सिंगराय कोंडा रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन यहाँ पर अराइव कर रही है समय से 15 मिनट लेट। यहाँ पर आपको 38 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। सो गाइस इसमें आपको टमाटो सूप वगैरह मिल जाएगा
ट्रेन की हालत, तो इसको टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने कर लिया, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो बात है ऐसी कि ये है इंटरसिटी, मतलब एक किस्म से इंटरसिटी ट्रेन है, तो इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉप भी है इसके और रुक कर चल रही है हर जगह, और ट्रेन लेट भी चल रही है। देखते हैं भाई क्या होता है, फिलहाल पहुँचेंगे तो ऑन टाइम ही, क्योंकि ट्रेन को टाइम है ना, वो चेन्नई से पहले काफ़ी ज़्यादा दिया है। सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है गुडूर जंक्शन पर, जहां पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और इसका जो स्टेशन कोड है वो है GDR। यहां पर करंटली आपको 177 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है, 5 ट्रेन ओरिजिनेट और 10 लेट भी होती है। ये है जंक्शन, क्योंकि यहां से तिरुपति के लिए जो ट्रैक है वो निकल जाता है, और इसी तरीके से हमारे विजयवाड़ा लाइन से और तिरुपति के लिए यहां से ट्रैक जाता है, और यहां तक ही हमें विजयवाड़ा डिवीजन देखने को मिलती है। और यहाँ पर पार्सल वैन डिरेल हो चुकी है दोस्तों, उधर डिरेल हुए हुए थे कोच दूसरी साइड। सो गाइस आप जो ये राइट में ट्रैक देख रहे हो ना, यही ट्रैक निकल जाते हैं चेन्नई एगमोर की तरफ, और अभी हम मुड़ चुके हैं चेन्नई सेंट्रल की तरफ, क्योंकि चेन्नई सेंट्रल एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर जाके ट्रेन टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन एगमोर जो है वो एक टर्मिनल स्टेशन नहीं है, तो वहाँ से आगे भी ट्रैक निकल जाते हैं कन्याकुमारी की तरफ। कैसा खतरनाक, लिखा हुआ तो है। सो गाइस फाइनली वी आर एट MGR चेन्नई सेंट्रल। अरे ये तो मैं ये तो चेन्नई है।
फाइनली वी आर एट MGR चेन्नई सेंट्रल। अभी इसका रिसेंटली नाम चेंज हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन बन चुका है। इस स्टेशन पर टोटल भाई था आपको 12 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, 70 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, और सिर्फ 22 ट्रेन यहाँ पर आकर वॉल्ट करती हैं। इस स्टेशन की खास बात यह है कि ये सिर्फ 3 मीटर है अबव द सी लेवल, क्योंकि इसके आगे ना डायरेक्टली समुद्र है जो कि है बंगाल की खाड़ी। तो फिलहाल दोस्तों ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। ट्रेन ने हमको पहुँचा दिया पूरे 4 मिनट पहले, 12:56 पर हम आ गए। ट्रेन का टाइम था 1 बजे, और इस स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है MAS मास। अब आप ये सोच रहे होंगे मास क्यों नाम चेन्नई, तो क्योंकि इसका जो पुराना नाम था वो था मद्रास, जिस वजह से इसका जो पुराना जो स्टेशन कोड है वो है मास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में किसी और ट्रेन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।